तो इसे ही सब कुछ सही रहता है। एक और चीज़, अभी जो आपके अभी जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, सर्जरी के बाद, अभी जो आपकी फीलिंग आती है, वो फीलिंग कैसी रहती है आपको? मतलब मेल के प्रति अट्रैक्शन होता है, आप मेल के प्रति आकर्षित होते हैं या औरतों के प्रति आकर्षित होती हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर के प्रति ही आकर्षित होती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत बहुत ही यूनिक सवाल है, ये हर कोई जानना चाहता है कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं तो आपकी अट्रैक्शन अभी कैसे कैसे होती है, एक ट्रांसजेंडर की अट्रैक्शन कैसे होती है? मुझे लगता है ये सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं औरत की तरह अट्रैक्टिव होती तो मैं खुद औरत क्यों बनती? सबसे पहले के बात ये आता है। तो अगर मैं वैसे भी नहीं हूँ कि मुझे ट्रांसजेंडर के ऊपर ही मतलब अट्रैक्ट आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूर मैं लड़का लोगों के प्रति अट्रैक्ट होती हूँ, तभी ना अपने बॉडी को बॉडी पार्ट्स चेंज करा के आज आप लोगों के सामने हूँ। मतलब कि आप लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं, आपकी वो वाली फीलिंग आती है? हाँ, जैसे नॉर्मल एक लड़की को आते हैं वैसे सब वैसे सभी फीलिंग आपको आती हैं। हाँ जी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मतलब जो लड़की जो महिला बच्चे पैदा कर सकते, क्या ये भी पॉसिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? देखिए, आई होप पॉसिबल है, बट इसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, दूसरे का गर्भाशय को लेके अपना पेट में डालना पड़ेगा, उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। बट हमें लगता है कि वो करने से सबसे अच्छा होगा है कि अगर तुम चाहो कि लाइफ में कोई सेकेंड पर्सन जैसे तुम्हारा बेबी आ जाए, तो उसके लिए आप बच्चा को एडॉप्ट भी कर सकते हैं, जो आजकल बहुत सारे लड़की लोग भी कर रहे हैं, जिन लोगों का फिज़िकली प्रॉब्लम की वजह से वो लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी तो एडॉप्ट करते हैं ना। और बस पेट में पालने से ही कोई माँ नहीं कहलाते हैं, बहुत लोग तो ऐसे भी करते हैं ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, हाँ टेस्ट ट्यूब सरोगेसी का प्रोसेस लेते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है दुनिया में। तो हमें लगता है कि लाइफ में अगर कभी कोई ज़रूरत ऐसा आएगा तो कोई अनाथालय में जाके कोई एक अच्छे से बच्चे को अडॉप्ट करके उसको अच्छे से संस्कार दे के बड़े करेंगे, तो उससे ज़्यादा सुख कभी नहीं मिलेगा। चलिए, अभी अगर अब इतने आप खूबसूरत हैं तो बहुत सारे लोग जो देखने वाले हैं वो चाहते होंगे आपसे बात करना, आपके प्रति हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन हो, ऐसे कोई हो जो आपसे बात करना चाहता हो, जो मतलब आपसे मिलना चाहता हो, कैसे मिल सकता है? आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? देखिए, मैं अपना पर्सनल नंबर तो नहीं दे सकती, बट हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग का गांव या शहर कहीं पे आके भी प्रोग्राम करूँ अपना, तो मेरे मैनेजर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर है 7797431441। इस नंबर पे आप लोग कमेंट मतलब कॉल करके मेरी प्रोग्राम बुक करा सकते हैं। और बस हाँ, प्रोग्राम के लिए ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि वो भी दूसरा किसी का पर्सनल नंबर है, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से कोई इतना भी परेशान हो जाए। और जितना भी पब्लिक लोग देख रहे हैं और मेरा जितना भी इंटरव्यू हुआ है, सबका कमेंट्स भी मैं चेक कर रही हूँ। अच्छा। मैं देखती हूँ कि बहुत सारा कमेंट्स आते हैं कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, इनको बोलिए कि इनका नंबर देने के लिए शादी वगैरह का जो बात है। मैं आज तक कोई भी मतलब कोई भी इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोली हूँ कि अभी मुझे शादी करना है, मैं बस यही बोली हूँ कि बात के बाद बात। चलिए, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आप सिंगल हैं या फिर कुछ? मैं प्योर सिंगल हूँ अभी तक। जो लोग चाहते हैं कि मतलब मेरे साथ रहने के लिए, आप लोग ऑब्वियसली तो आप जान लीजिए कि जो लोग चाहते हैं अभी, उन लोगों का नंबर है, आप ट्राई कर सकते हैं, अपना नंबर लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सिंगल है और आप लोग जो है अपना चांस आजमा सकते हैं। बाकी और कुछ? हाँ, बस आप लोग अगर चाहते हैं, मतलब आप लोग ऐसा मत कुछ सोचिए कि मैं मिंगल हूँ, मैं प्योर सिंगल हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो लोग भी कमेंट करते हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दुलार दे रहे हैं, जिसके वजह से मेरे वीडियो बहुत बहुत चैनल में 12 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन 8 मिलियन तक पहुंचा है। तो इस इंटरव्यू को भी आप लोग उतना ही प्यार कीजिए जैसे इसका मतलब पहला जो इंटरव्यू आया है, उन लोगों के जैसे इस इंटरव्यू को भी अपना उतना ही प्यार दीजिए। और इतना शेयर कीजिए इस इंटरव्यू को कि मैं अभी तक जिन लोगों के पास नहीं पहुंची हो, आप लोगों के तक पहुंच जाओ। और गलत कमेंट करने वाला थोड़ा मतलब दूर रहिए इस सब से, बस यही कहना चाहूँगी। तो इनके चाहने वालों देख लीजिए एक बार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप इनसे बात करना चाहते हैं। सेकेंड, एक और जो चीज़ है बहुत वायरल हो रही है इनसे जुड़ा हुआ,
वो जो टैटू वाली बात है, टैटू के बारे में थोड़ा सा बताइए और टैटू भी दिखाइए कि टैटू इतना क्यों वायरल हो रहा है आपका, टैटू से जुड़ा क्या राज है? टैटू का जुड़ा कोई राज नहीं, एक बॉडी आर्ट है जो किसी किसी का मन करता है कि मैं अपने बॉडी में कुछ टैटू बनवाऊँ, और किसी का मन नहीं होता है। जो लोग शायद सरकारी नौकरी करने की कोशिश करते हैं तो ये बात पता ही होगा कि सरकारी नौकरी करने वालों को टैटू नहीं रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है सरकारी जॉब करने का, बस अपना कुछ बॉडी मतलब बॉडी आर्ट कराई हो, जैसे